तुमने इसको बीच में मिक्स कर लेना है और ये रखें इस तरह के। ये थोड़ा सा कुछ हम बादाम वगैरह इस पे डाल देते हैं। चलें जी ये देखें बिल्कुल बनके कस्टर्ड जो है ना हमारा ब्रेड रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कुनांजा कुकिंग। आज हम बनाने लगे हैं ईद के लिए स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड ब्रेड बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने ले लिए थे 2 डिब्बे दूध के। तो यहाँ पर 2 पैकेट ब्रेड के 2 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड ले लिया था और 5 टेबल स्पून के करीब हमने चीनी ले थी। अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड के इस तरह से स्लाइस कर लिए थे, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं कि दूसरी चीजों को कैसे बनाना है, क्या करना है। अच्छा ये देखिए जो ब्रेड के हमने पीस बना लिए थे ना, करना वो हमने ये है कि इनको फ्राई कर लेना है। देखें घी मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, घी ठंडा ना हो आपका और ना ही आंच ज्यादा हो, सिर्फ दरमियानी आंच पे इसको रख के बनाए। देखें इस तरह की ना, यहाँ पे ना कुछ पीस की मैंने साइड चेंज कर दी थी और आपको दिखाना भी चाह रही थी कि इस तरह के ना जब ब्रेड होना शुरू हो जाए तो तब आपने इसको नीचे उतारना है, उससे पहले नहीं। अच्छे तरीके से इसे फ्राई करना है ताकि ये कुरकुरी टाइप की हो जाए। ये देखें इस तरह की, अब हम इसे नीचे उतार लेंगे थोड़ी देर में, फिर बाकी भी जो पीसेस हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी ये देखें अब दूध हमारा गर्म होने के लिए हमने रख दिया है, उसमें ये जो चीनी है ना उसके साथ ही शामिल हम कर देंगे। अगर आप लोग मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो कोई मसला नहीं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से खा सकते हैं, लेकिन मैंने ना जितनी ब्रेड थी जितना दूध था उसी के हिसाब से मैंने इसमें मीठा ऐड किया है। ये जो कस्टर्ड पाउडर था ना इसमें वो मिक्स कर देते हैं। ये देखें इस तरह के आपने कलर लाना है इसमें। अब इसे ना तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम और पकाएंगे, तो इसे थोड़ा सा हमने गाढ़ा करना है। अच्छा जी यहाँ पर ये देखें हमारा ना बिल्कुल ये इस तरह का हमने मिक्सचर बनाना है, इससे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी ब्रेड है ना वो इसमें हमने ऐड करनी है, तो फिर वो भी नरम होगी उसकी वजह से, फिर ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं इसे कैसे करना है। इसी स्पीच पे अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा जी ये देखिए हमने ना ये जो हमारा कस्टर्ड पाउडर का मिक्स है ना वो हमने इसमें डाल दिया। अब इस तरह ना इसको बीच में डिप करना है हमने, ये देखें। ये देखिए कुछ इस तरह से करके ना तो बाकी का जो हमारा बचा हुआ था ना ये देखें इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे। ब्रेड को आपने इसमें ना बिल्कुल डिप कर देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए इसी में। देखें बाकी के भी हम इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमने इसको बीच में मिक्स कर लेना है और ये देखें इस तरह के। ये थोड़ा सा कुछ हम बादाम वगैरह इस पे डाल देते हैं। चलें जी ये देखें बिल्कुल बनके कस्टर्ड जो है ना हमारा ब्रेड रेडी हो चुका है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।